हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय इंजीनियरिंग स्टफ्स। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग ब्लूटूथ बेस्ड रोबोट बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को थोड़ा प्रायर नॉलेज होना चाहिए। और वो प्रायर नॉलेज क्या होगा, देखो, जॉयस्टिक इंटरफेसिंग हम लोगों को आना चाहिए। अब ये जो ट्यूटोरियल है हाउ टू इंटरफेस जॉयस्टिक, ये मैं इसी सीरीज़ में इनपुट सेक्शन में बता चुका हूँ ऑलरेडी। आप उस ट्यूटोरियल को फॉलो करो यदि आप पहली बार इसको देख रहे हो तो। अदरवाइज़ जॉयस्टिक जो जिस तरह से हम लोग इंटरफेस करते हैं उसी तरह हम लोग इस प्रोजेक्ट में इंटरफेस करेंगे, फाइन। उसके बाद आप रोबोट कंट्रोलिंग प्रोग्राम, जो रोबोट मतलब मैं पहले भी इसमें दो बना चुका हूँ जिसमें ऑब्स्टेकल अवॉइडर और लाइट फॉलोअर रोबोट इंक्लूडेड है, तो वहाँ से हम लोग रोबोट का कंट्रोलिंग सिस्टम को लेंगे। मतलब क्या है कि उसके मोटर को किस तरह से कंट्रोल करना है, वो पार्ट हम लोग वहाँ से लेंगे। उसके बाद तीसरा पार्ट आ जाता है इसमें क्या, मास्टर एंड स्लेव ब्लूटूथ कम्युनिकेशन। अब ये देखो, ये मेरा पिछली बार भी मैं एक ऐसा वीडियो बनाया था जहाँ पे मैं मास्टर और स्लेव ब्लूटूथ को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है मैं उसमें बताया था। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेंशन है कि किस तरह से आप एटी कमांड पास करके आप किसी को मास्टर, किसी ब्लूटूथ को स्लेव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये क्या बोलते हैं, ये पहले ही मैं और बता चुका हूँ, तो इसमें मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, मैं इस चीज़ को कैसे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें मैं बताऊँगा तुम लोगों को, ठीक है। अब ये चीज़ को कंप्लीट करने के लिए देखो, मेरे को चाहिए पहले तो एक अर्डिनो, ठीक है। इसमें दो पार्ट होगा, एक ट्रांसमीटर पार्ट होगा और दूसरा रिसीवर पार्ट होगा। अब देखो, रिसीवर पार्ट में क्या होगा, रोबोट डेफिनेटली। हम लोग ट्रांसमीटर पार्ट में यदि हम लोग जॉयस्टिक रखते हैं तो जॉयस्टिक से हम लोग क्या करेंगे, डेटा सेंड करेंगे। और ट्रांसमीटर पार्ट में, सॉरी, रिसीवर पार्ट में क्या होगा, रोबोट रहेगा जो क्या हो सकता है, उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे उसके लोकोमोशन को। लोकोमोशन मतलब क्या होगा कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट हम लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट हम लोग बनाएंगे कि किस तरह से हम लोग रिसीव किस तरह से करेंगे, ओके। तो अब रिसीवर बनाने के लिए मैं पहले क्या करूँगा, एक अर्डिनो उनो लूँगा, एक ब्लूटूथ लूँगा, ठीक है। अब ये ब्लूटूथ जो है, ये इसको मैं मास्टर बना रहा हूँ, ठीक है। किस तरह से मास्टर और स्लेव बना रहे हैं, प्लीज़ उस ट्यूटोरियल को आप देखो, आपको उसमें पता चल जाएगा किस तरह से किसी को मास्टर और स्लेव बनाया जाता है, ठीक है। एक ब्लूटूथ लूँगा मैं, ठीक। अभी चलो इस चीज़ को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। इसको क्या करना है, VCC ग्राउंड दे देना है पावर, तो मैं यहाँ से इसको दे देता हूँ VCC ग्राउंड। और कोई भी दो पिन को आपको बना लेना है, इसका TX और RX। लेट सपोज मैं इसका पिन जो है वो 6 और 7, इसका TX और RX बना देता हूँ। थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखना कि जो TX है वो RX में कनेक्टेड होना चाहिए और जो RX है वो TX में कनेक्टेड होगा, ठीक है। अभी तक मैंने डिक्लेयर नहीं किया है कि कौन सा TX होगा कौन सा RX होगा, यह ध्यान रहे। अभी चलो एडिनो आईडी ओपन करते हैं हम लोग। एक सिंपल सा हम लोग इसमें कोड इंसर्ट करेंगे, वो क्या होगा आपका, एग्जांपल से क्या करो, एक ये ले लो, सीरियल एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो, सीरियल बनाना है आपको तो रिसीवर किसको बनाना है एक बार देख लो। TX यदि ये पर्पल लाइन है तो 7 होगा आपका रिसीवर और ट्रांसमीटर होगा 6, तभी ये TX टू RX एंड RX टू TX कनेक्शन बनेगा, ओके। अब इसका डिफ़ॉल्ट बॉड रेस इसमें लिख लो 9600। अब इसका जो सॉफ्टवेयर सीरियल है उसको भी हम लोग 9600 कर लेते हैं, फाइन। अब ये इस तरह से एज यूजल रहने दो, इसको हम लोग अपलोड कर देते हैं ये प्रोग्राम को, सॉरी। अपलोड करने से एक बार चेक कर लेना है कि आपका कंट्रोलर, सॉरी, बोर्ड कौन सा है और पोर्ट किससे कनेक्टेड है। पोर्ट COM5 में से चेंज कर देता हूँ, ऐसे अपलोड कर दो। ठीक है, ये अब अपलोड हो गया। तो अब क्या है, ये एक
मास्टर है, मतलब मैं जो भी डेटा इसमें सेंड करूँगा तो ये क्या होगा, ये रिसीव होगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको बना दिया हूँ एज ए मास्टर की तरह। ठीक, अब इसको क्या करो, ओपन कर दो। ये मास्टर की तरह कॉन्फ़िगर करोगे, बस हो गया, इसका काम इतना ही। इसको अभी रख दो दूसरे और। अभी चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, रिसीवर को कनेक्ट करते हैं, सॉरी ट्रांसमीटर को कनेक्ट करते हैं। और ट्रांसमीटर के लिए देखो, मैंने पहले से ही ये सर्किट बना रखा है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ये सर्किट है क्या। ठीक है, देखो यहाँ पे एक जॉयस्टिक मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको इनपुट सेक्शन में मिल जाएगा। यदि यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इनपुट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे देखो कि जॉयस्टिक को किस तरह से हम लोग इंटरफेस करते हैं अर्डिनो उनो के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट कर रखा है। ब्लूटूथ देखो ये वाला स्लीव में कन्वर्टेड है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे मार्क करके रखा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, सिंपल यहाँ पे एक क्या होता है ना, एक स्विच होता है, तो वो स्विच को देखो मैं यहाँ एक रजिस्टर से कनेक्ट कर रखा हूँ। ठीक है, और जो इसका जो ट्रांसमीटर रिसीवर है, इसका हार्डवेयर ट्रांसमीटर रिसीवर के साथ कनेक्ट कर रखा हूँ। फाइन, तो इसका जो TX होगा इसके RX से कनेक्टेड होगा, और इसका जो RX होगा इसके TX से कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम कोड मैं सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस समझो कि इसको किस तरह से हम लोग कैरी आउट करते हैं। ठीक, अभी क्या है, पहले कनेक्ट कर लो आपको आप अपना लैपटॉप में। ठीक ना, उसके बाद मैंने जो पिछला प्रोग्राम बताया था आपको कि जॉयस्टिक किस तरह से इंटरफेस करना है, तो जॉयस्टिक का मैं प्रोग्राम निकाल लेता हूँ। कहाँ गया जॉयस्टिक मेरा? ठीक है ना, अब इसमें मैं उसका COM5 नहीं है, पोर्ट चेंज कर लेना, देख लेना कॉम कौन सा है। सॉरी, ये सर्किट शॉर्ट हो गया था इसीलिए। ठीक है ना, एक बार सर्किट को आप लोग ध्यान से चेक करना ताकि शॉर्ट नहीं हो। क्या है, यदि ये बर्न हो जाता है तो मैं तो वेयर कर लूँगा। ठीक है ना, आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप पावर देने से पहले सर्किट को डेफिनेटली एक बार मतलब चेक करते रहना कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे कॉम सिलेक्ट कर लो, जो भी आपका कॉम पोर्ट आर्डिनो को मिल रहा है, उसमें क्या उसे अपलोड कर दो। अब इसको ऑन कर, देखो एक्स और वाई कहाँ जा रहा है। ये हो गया वाई का डायरेक्शन, ये वाई जब मैं अप करता हूँ ऐसे होता है, और जब डाउन करता हूँ ऐसे होता है, और ये एक्स को जब मैं राइट लेता हूँ, सॉरी लेफ्ट लेता हूँ तो इतना आता है, और जब इसे राइट लेता हूँ तो ऐसा आता है। तो इस तरह से मैंने पूरा बताया है कि किस तरह से आपको इंटरफेस करना है विद डिटेल। ठीक है, तो अब ये जॉयस्टिक से हम लोग इनपुट ले लिया, ब्लूटूथ भी मैंने एज ए इनपुट सेक्शन में बताया कि किस तरह से वहाँ पे आप ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू। अब वो ट्यूटोरियल भी ज़रूर देख लेना। फाइन, अभी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट किस तरह से करें डेटा को वो देखते हैं। मैं पहले ही इसका बना के रखा हूँ कोड ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। देखो जॉयस्टिक बेस्ड रोबोट TX सेक्शन, ठीक है ना, नो कर देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर सीरियल एज यूजल जो भी। ठीक है, अब 2 A0 A1 में कनेक्टेड है ये, आप देख सकते हो, एक मिनट, ये देख सकते हो ये 2 पिन जो है ये जॉयस्टिक से कनेक्टेड है, इसका एक्स और वाई डायरेक्शन निकालने के लिए। ठीक है, 7 नंबर पिन जो कनेक्टेड है यहाँ पे, ये जो बटन पिन है ये इसका, ये बटन है, सॉरी ये बटन है। ठीक ना, अब वो यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब एक रजिस्टर के थ्रू ये वाला यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, अब एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वो उसे हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे, और ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली में 10 बिट का रहता है, तो 1023 इतना जो वैल्यू है वो अप टू 1023 ये यहाँ एक्स वैल्यू में स्टोर रहेगा, और एक्चुअल जो डेटा रहेगा वो इस 2 वेरिएबल में स्टोर रहेगा। फाइन, ये 2 वेरिएबल में स्टोर करेगा। उसके बाद हम एक ब्लू सीरियल
जो एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सॉफ्टवेयर सीरियल का, ये जो हेडर मतलब ये जो लाइब्रेरी है उसका एक हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं राइट, ब्लू सीरियल, और उस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और यहाँ उसमें हम लोग डिफाइन कर रहे हैं टू और थ्री, मतलब टू को हम लोग एज ए आर एक्स की तरह यूज़ करेंगे और थ्री को हम लोग यूज़ करेंगे एज ए टी एक्स की तरह, ठीक है। याद रहे आप इसको कोई भी पिन में कन्वर्ट कर सकते हो, बट अभी के लिए जो टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, ये मैं टू थ्री कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पिन मोड 13, मतलब ये जो एलईडी है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 13 नंबर को आउटपुट डिक्लेयर कर रहा हूँ ताकि मैं इंडिकेट कर सकूँ यहाँ पे, ओके। उसके बाद पिन मोड बटन पिन जो है इनपुट, बटन पिन कौन सा है, ये वाला 7 नंबर पिन जो जॉयस्टिक का बटन है, उसको एज इनपुट की तरह डिक्लेयर किया हूँ भाई। उसके बाद ये जो सीरियल है ये डिबगिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, और दूसरा सीरियल जो है ये डेटा सेंड करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। दोनों का बॉड रेट सेम रखा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। आप अलग अलग रख सकते हो, मैं उतना कॉम्प्लेक्स मोड में जाता नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल ही यही 9600 यहाँ भी लिख देता हूँ, 9600 यहाँ भी लिख देता हूँ, खत्म। उसके बाद मैं दोनों को रीड कर रहा हूँ, मतलब मेरा एक्स जो ये है ठीक है ना, और जो वाई वैल्यू है ये जो दो है ठीक है ना, उसका वैल्यू मैं रीड कर रहा हूँ थ्रू दिस टू फंक्शन, दिस फंक्शन एनालॉग रीड। इससे ये पिन रीड करूँगा और इस फंक्शन से ये पिन रीड करूँगा, और रेस्पेक्टिव एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू में उसे स्टोर कर लूँगा, ठीक। अब जैसे मैंने कहा कि ये वाला 10 बिट में वैल्यू रहता है, तो मैं फॉर सिंप्लिसिटी इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ 8 बिट में, मतलब इसे मैप करूँगा मैं, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ आएगा, उसको मेरे को पता है कि वो 10 बिट में है, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 से 1023 तक रहेगा, तो उसे मैं मैप कर रहा हूँ 0 से लेकर के 255 तक। वो एक्स का आउटपुट है और वाई को भी वही कर रहा हूँ। आप चाहे तो ये दोनों नहीं कर सकते हो, और उसी तरह आगे का जो आपको लॉजिक लिखना है वो इसी बेसिस पे आप लिखोगे, मतलब जो 0 से 1023 का बेसिस पे ही लिखोगे, फाइन। ये आपका ध्यान रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए कि इस चीज़ को आप अपने लॉजिक के हिसाब से ही लिखो, जो वैल्यू आपको मिल रहा है और वो वैल्यू आपको कंपेयर करना है, ओके। अब देखो ये एक इफ एल्स स्टेटमेंट मैंने लिखा है जो आपको लॉजिक डेवलपमेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या है, मैं ये बटन पिन चेक कर रहा हूँ, ये बटन पिन कौन सा है, ये 7th नंबर पिन है, तो ये मैं चेक कर रहा हूँ कि ये लो है कि नहीं है। मैं जब भी ये बटन को प्रेस करूँगा तो ये लो हो जाएगा, ठीक है। और जब भी ये लो होगा फाइन, ये जब भी लो होगा तो ये क्या होगा, आपको ये 13 नंबर एलईडी को हाई करना होगा, मतलब एलईडी ग्लो करना चाहिए। ये इसलिए ग्लो कर रहा है कि मैंने अभी तक प्रोग्राम इसमें अपलोड इसमें कर लिया क्या, एक मिनट लेको कर लेते हैं अपलोड, और ये ग्लो क्यों कर रहा है। ओके अभी देखो, अब अपलोड नहीं किया था मैं, तो अभी देखो ये लो है ठीक, तो इसका मतलब इस केस में है, एल्स केस में है ठीक है। और जैसे ही मैं ये बटन को प्रेस करता हूँ तो देखो ये हाई हो गया, तो इसे मेरे को इंडिकेट होता है कि ये मेरा काम कर रहा है, नथिंग एल्स। आपको इस एंड में पता चलेगा, मतलब ट्रांसमीटर एंड से पता चलेगा कि नहीं मेरा जॉयस्टिक प्रॉपरली काम कर रहा है। उसके बाद इस लॉजिक को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। इस ये लॉजिक क्या है, सिंपली आप जॉयस्टिक का देखो, जैसे ही हम लोग लेफ्ट और राइट करते हैं उसके जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होता है, तो वही वैल्यू को मैंने जस्ट यहाँ पे इनपुट लिया है, और यहाँ पे मैंने सीरियल जो है ये डेटा को सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सीरियल डेटा को यहाँ सेंड कर रहा हूँ मैं इस सीरियल पोर्ट के थ्रू, सीरियल पोर्ट में एफ में सेंड करता हूँ, ओके। उसी तरह मैं सीरियल जैसे ही ये फॉरवर्ड, मतलब जैसे ही ये लेस देन, मतलब ऊपर जाने से लेस देन, मतलब ये क्या होगा, 127 से ऊपर की ओर जैसे जाऊँगा वो लेस देन होते होते चलेगा, और मैं चेक कर रहा हूँ कि 90 से जैसे वो लेस हो तो वो एफ सेंड कर दे, ठीक है। उसी तरह यदि मैं पीछे आता हूँ तो ये इंक्रीज़ करता है 126 से ऊपर की ओर, या 127 से ऊपर की ओर, वो देख लेना वैल्यू, ठीक है ना। अब जैसे ही ऊपर की ओर आ रहा है, मतलब सॉरी उससे वैल्यू ऊपर की ओर आ रहा है, तो जैसे ही ये 150 से ज़्यादा होता है तो मैं इसे बैकवर्ड सेंड कर देता हूँ, ठीक ना। अब मैं उसे क्या करूँगा, जैसे ही ये जो राइट है, मतलब इधर, मतलब इस डायरेक्शन में यदि वो मूव कर रहा है तो उसका वैल्यू का क्या होगा, चेंज होगा, तो जैसे ही ये चेंज हो रहा है तो मैं उसे सेंड कर दूंगा आर, मतलब राइट होगा। उसी तरह क्या होगा, मैं यहाँ पे चेक कर दूंगा यहाँ लेफ्ट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एल्स केस में क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ,
एल्स केस में ये मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि यदि यहाँ पे कोई भी कंडीशन ना हो, मतलब कोई भी डायरेक्शन ना हो, कोई मेंशन नहीं किया है, तो मैं क्या करूँगा उसको बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू सेंड करता हूँ। ये रैंडम वैल्यू है, ये कुछ भी आप सेंड कर सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे पी सेंड कर दे रहा हूँ, आप कुछ भी सेंड करते हो, खाली जो आपका रिसीवर एंड है वो उधर स्टॉप करने के लिए, नथिंग एल्स। ठीक है, अब ये कोड हो गया ट्रांसमिट के लिए। होप मेरे को लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप। एक मैंने जॉयस्टिक ले लिया, एक ब्लूटूथ ले लिया और एक अर्डिनो यूनो ले लिया। जिस तरह से जिसको इंटरफेस करना है कर दो। लॉजिक आपका बिल्ट यहाँ पे हो गया है। ठीक है, इस चीज़ को मैं अपलोड कर दिया। आपका जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो कहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है? सीरियल, सीरियल का मतलब हो गया इसका जो हार्डवेयर सीरियल है। तो यहाँ पे आप चेक कर लो कि आप टी एक्स आर एक्स सही से लगाए हो कि नहीं लगाए हो। तो यहाँ पे जो मेरा टी एक्स है वो ब्राउन है, तो वो क्या होगा, आर एक्स में कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब देखो मैंने ये कनेक्ट कर लिया। ठीक, अभी मैं इसको इसको निकाल लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक ना, अब मैं रिसीवर एंड को फिर से ले आता हूँ, इसको मैं पावर कर दूंगा किसी दूसरे एक्सटर्नल पावर सप्लाई के साथ। देखो यहाँ पे मैं एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई ले रहा हूँ और मैं इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। फाइन, अब ये देखो ये पावर हो गया। एक मिनट बस इसको घुमा देते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से रहने दो। ओके, अब ये देखो ये क्या है, ये रिसीवर एंड है। अब मैं रिसीवर एंड को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। देखो ये वाला एलईडी, क्योंकि क्योंकि ये दोनों मास्टर और स्लेव हैं, ये देखो कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं बताया हूँ किस तरह से आपको करना है, जो मेरे मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन ट्यूटोरियल में, वहाँ पे आप देख सकते हो, डिटेल में बताया हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। अब ज़रूर से उसे चेक करना, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में दे दूंगा वो उसका लिंक। ठीक है, ये देखो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, मैं इसे निकाल देता हूँ, देखो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसको मैं भी निकाल देता हूँ दोबारा से। देखो ये देखो इसका ब्लिंक, देखो डिस्कनेक्ट हो गया है। अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिकली देखो ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने पे इसके एलईडी का देखो फ्रीक्वेंसी का क्या हालत होता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा घट जाएगा। देख रहे हो ये एलईडी को, आपको दिख रहा है ये एलईडी किस तरह से अभी धीरे धीरे ब्लिंक कर रहा है, बहुत मतलब ज़्यादा डीले लेके ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आपस में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी इसका जो सीरियल, तो अभी देखो हम लोग ने ये क्या किया, ये कनेक्ट कर लिया। अब ये भी क्या है, ये ऑटोमेटिकली इसके साथ पेयर हो गया। ठीक है, अभी ये जो सीरियल रिसीवर है इसका कोड हम लोग देख लेते हैं कहाँ है। इसका जो ओपन कर लेते हैं जॉयस्टिक रोबोट। ओके, अब ये देखो ये जॉयस्टिक रोबोट का, ये भी मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जैसे मैंने कनेक्ट कर रखा है 7 और 6 पे, तो इसका भी देख लो, आप चेक कर लो एक बार कि जो टी एक्स है ये है जो पर्पल लाइन है, पर्पल कहाँ गया है, 7। तो 7 इसका क्या हो जाएगा, इसका रिसीवर हो जाएगा और 6 इसका ट्रांसमीटर हो जाएगा। ठीक ना, अब इसे क्या करो, अपलोड कर दो इस कोड को। ओके, पहले आप चेक कर लो कि कौन सा बोर्ड यूज़ कर रहे हो, अर्डिनो उनो। ठीक है ना, उसके बाद उसका कॉम पोर्ट ये ज़रूर से चेक करना, मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो एक बार आप लोग चेक कर लेना। अब ये सिंपल सा है, ये रोबोट का केस है, लेकिन अभी क्या है, अभी देखो ये रोबोट का ही पूरा फुल प्रोग्राम है। ठीक है, अभी इसमें मैंने डिफाइन कर लिया है 4 पिन जो आपका मोटर को रोटेट करने के लिए काम आएगा। ठीक है ना, एक वेरिएबल स्ट्रिंग रिसीव डेटा, ये ब्लूटूथ वाले ट्यूटोरियल में भी यही सेम है, कंफ्यूज मत होना। मैं यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना। ये ब्लूटूथ वाले ट्यूटोरियल में मैं सारा चीज़ बताया हूँ, एक बार मैं प्रेफर करूँगा एक बार ज़रूर आप उस ट्यूटोरियल को देखो। ठीक है, और रोबोट वाले में भी बताया हूँ मोटर को किस तरह से ड्राइव करते हैं, ये सारे चीज़ में उसमें है। और ये कॉपी पेस्ट है, ये सेम जो पहले जो मैं कोड लिया था ये वही कोड है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। ठीक ना, बस इतना जानना है कि किस तरह से हम उसे लिख रहे हैं, पैटर्न लॉजिक किस तरह से बिल्टअप कर रहे हैं, बस उतना ही और कुछ नहीं। जैसे यहाँ देखो सीरियल, सॉफ्टवेयर सीरियल का एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया, एक ऑब्जेक्ट बनाया उसमें मैं पास कर दिया 7 6 एज TX, सॉरी RX एंड TX,
चार मैंने पिन बना दिया फॉर रोबोट कंट्रोलिंग के लिए। एक वेरिएबल मैंने ले लिया, डाटा जो रिसीव होगा तो इस वेरिएबल में स्टोर होगा। अब सेटअप फंक्शन में मैंने लिख दिया कि जो 13 नंबर है आउटपुट के लिए है, ये इंडिकेटिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे आगे। उसके बाद एक हार्डवेयर सीरियल है, एक सॉफ्टवेयर सीरियल है। अब सॉफ्टवेयर सीरियल में क्या होगा, डेटा रिसीव होगा, राइट ना। और जो हार्डवेयर सीरियल है ये डिबगिंग के लिए लिखे हैं, ये जनरली मैं लिख देता हूँ, आप लिखो नहीं लिखो कोई इशू नहीं है। फाइन, यहाँ पे आता है आपका मेन लॉजिक। इफ़ ब्लू सीरियल, जो ब्लू सीरियल आपका जो सॉफ्टवेयर सीरियल है, वहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल है क्या? यदि वो अवेलेबल है तो मैं क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। देखो ये सी जो है कैरेक्टर वेरिएबल का है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रिसीव कर रहा हूँ और उसे ऐड कर देता हूँ रिसीव डेटा के साथ। यदि आप स्ट्रिंग यूज़ करोगे ना तो ये आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर आएगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एफ भेज रहा हूँ तो ये भी स्ट्रिंग ही है। यदि आप देखो तो ये डबल कोट के साथ है, राइट। अब वो चीज़ को जहाँ रिसीव करूँगा, अब ट्रिम उसमें अप्लाई करता हूँ। अब ट्रिम क्या करता है ना, वो जो वाइट स्पेस होते हैं, मतलब यदि ट्रांसमिट करते समय कोई यदि आपको क्या बोलते हैं कुछ भी उसमें इंक्लूड हो जाता है बाय डिफॉल्ट, तो वो क्या करता है आगे और पीछे से वो ट्रिम कर देता है कोई भी मतलब बेकार सा डाटा को, ठीक है। अब क्या करना है, अब रिसीव करके एक बार चेक कर लेना है कि उसका जो लेंथ है वो ग्रेटर देन जीरो है क्या। इट मीन्स कि वो एक वैलिड वैल्यू होगा। यदि हम लोग का ग्रेटर देन जीरो होता है, ए बी सी डी कुछ भी आता है, तो डेफिनेटली उसका लेंथ वन से ज़्यादा ही होगा ना। तो अब वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा, यदि लेंथ ज़्यादा है तो वो क्या करेगा कि हाँ ठीक है, उसके बाद वो लूप के अंदर आएगा और वो चेक करेगा कि रिसीव जो डेटा है वो एफ है क्या। यदि एफ है तो वो देखो डिबगिंग में फॉरवर्ड प्रिंट कर देगा और ये जो फॉरवर्ड फंक्शन है वो अलाउ कर देगा, मतलब अप्लाई कर देगा तुम्हें, ठीक है। और ये जो फॉरवर्ड फंक्शन है ना, इस पे हम लोग मोटर को किस तरह से ड्राइव करते हैं वो मैं लिखा हूँ। यहाँ पे डिजिटल पिन हाई लो किया जाता है, फाइन। मैं अगेन मैं बोलूँगा कि मोटर किस तरह से कंट्रोल होता है देख लो, यदि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर इट्स ओके, तुम अपना लॉजिक इसमें डेवलप कर सकते हो, फाइन। अभी देखते हैं, जैसे ही ये फॉरवर्ड आया तो मैं ये सेंड कर देता हूँ, ठीक है। ये डिबगिंग के लिए लाइन है, बाकी एक्चुअल वर्क होता है ये फंक्शन मोटर को ड्राइव करता है फॉरवर्ड के लिए, ठीक। उसी तरह जब बी रिसीव होगा तो बैकवर्ड ड्राइव होगा, जब एल रिसीव होगा तो लेफ्ट की ओर होगा, लेफ्ट वर्ड, ठीक है ना। अब यदि वो आर होता है तो वो क्या करेगा, राइट वर्ड जाएगा। अब देखो एच जो है, एच मैं सेंड कर रहा हूँ जब ये बटन प्रेस होता है, ठीक ना। जैसे ही बटन प्रेस होगा एच आएगा और इसका एलईडी ग्लो करना चाहिए, फाइन। और यदि नहीं है तो ये स्टॉप रहेगा, मतलब जैसे ही मैं ये मूव करता हूँ तो ये मोटर आगे घूमना चाहिए, और जैसे मैं इसे रिलीज़ करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो जाना चाहिए, फाइन ना। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रिसीव डाटा है उसे क्लियर कर दे रहा हूँ, मतलब मैं जो भी वो बफर उसमें होगा तो उसे मैं क्लीन कर देता हूँ। 50 का मिली सेकेंड डिले देने के बाद वो जो एलईडी यहाँ ग्लो कर रहा होगा उसे मैं ऑफ कर देता हूँ, फाइन। अभी पहले चलो देखते हैं डिबगिंग स्टेज में क्या होता है। ये डिबगिंग के लिए मैंने सीरियल मॉनिटर ऑन कर लिया। अब देखो ये पी पी रिसीव हो रहा है क्योंकि यहाँ से वो बाय डिफ़ॉल्ट एक पी सेंड कर रहा है, मैंने जैसे कहा, ठीक है ना। इसको मैं दोबारा से इसको अपलोड कर देता हूँ जो भी हम लोगों ने चेंजेस किए हैं यहाँ पे, क्लीन हो गया। अब देखो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, वो यहाँ पे 7 और 6 सही है, ओके। टी एक्स जो है वो पर्पल है, ठीक है ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार क्लिक करके, ओके। देखो एलईडी यहाँ पे ग्लो हो रहा है, वहाँ देखो हाई रिसीव हो रहा है। जैसे ही मैं प्रेस किया, लीव कर दो, थोड़ा डिले के बाद वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जब तक वो हाई मिल रहा है, वो बफर में है इसीलिए वो अभी तक मिल रहा है उसको। अभी देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड रन करते हैं। अभी आया फॉरवर्ड, इसको छोड़ दो, ठीक है, ओके। अब उसे फॉरवर्ड मिल रहा है, अब उसे सॉरी इसको ये करो। अब देखो इसमें मैं बैकवर्ड लेता हूँ तो ये बैकवर्ड आया, ठीक। अब इसमें लेफ्ट लेता हूँ तो ये लेफ्ट आया, छोड़ दिया। अब मैं इसे राइट लिया तो राइट आया, छोड़ दिया। ऐसे फॉरवर्ड करूँगा, देखो ये फॉरवर्ड आया, लीव इट, ठीक है ना। उसी तरह बैकवर्ड किया, छोड़ दो, ठीक है। तो
तो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, ये कंपेयर कर रहा है, जैसे जो इसको मिल रहा है उसी के हिसाब से ये प्रिंट कर रहा है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ हाई के लिए प्रेस किया, हाई आया, छोड़ दिया मैं, ठीक है। अब वो जब तक आएगा वो ही रहेगा। उसके बाद मैं उसे फॉरवर्ड प्रेस करता हूँ तो ये क्या होगा, सॉरी वो 1 सेकंड डिले के लिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अभी मैं लेफ्ट करता हूँ, आया, लिव इट। अभी राइट करो, आया, सॉरी राइट करो, तो छोड़ दो, बैकवर्ड करो, ठीक है। अभी ये देखो, ये सिस्टम अलग है, ये ट्रांसमीटर सेक्शन है और ये रिसीवर सेक्शन है। तो रिसीवर सेक्शन में मैंने क्या किया कि एक जस्ट टेस्ट करवा दिया इसके साथ। अब क्या करना है, आप लोगों को रिप्लेस करना है इस सिस्टम को आपके जो एक्चुअल रोबोट के साथ, ठीक है। अब मैं उसका सेटअप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से वो ये करना है, ठीक है ना। अभी देखो, मैंने ये पिछला सिस्टम ले लिया जो IR बेस्ड, मतलब लाइट फॉलोअर रोबोट था, उसको आप निकाल दे, मैं निकाल देता हूँ, उसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है जो अभी हम लोग ने सिस्टम सेटअप किया था उसका, सिर्फ ब्लूटूथ मॉड्यूल से। अभी इसका जो LED ब्लिंक हो रहा है ये देखो, ठीक है। मैं ये वही मास्टर वाला ले लेता हूँ और इसका जो TX RX है मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ इसके 11 और 12 नंबर पिन पे, क्योंकि यार स्पेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो शील्ड आता है ना, ये शील्ड पहले से ही बहुत सारे पिन को ये कवर कर देता है, तो इसीलिए मैं यहाँ एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये जो 11 एंड 12 पिन है, हाँ 11 एंड 12 पिन है, उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको बाय डिफ़ॉल्ट, अब इसको क्या करना है, पावर दे देना है, मतलब VCC और ग्राउंड। तो VCC और ग्राउंड देखो यहाँ एक्सटेंडेड है, तो मैं इसे दे देता हूँ VCC और ग्राउंड। फाइन, और इसको कनेक्ट कर लो अपने लैपटॉप के साथ। अभी देखो जैसे ये पावर ऑन हुआ और इसका, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है, सिंपल सा है ये। उसके बाद सेम चीज़, ये जो जॉयस्टिक वाला रोबोट है, ये वाला रोबोट जो अभी हम लोगों ने किया है, इसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे जाओ, बोर्ड चेक कर लो कि कौन सा बोर्ड है, यहाँ पे जाओ और कॉम देख लो, क्योंकि ये दूसरा एडिनो बोर्ड है तो उसका कॉम भी चेंज हो जाएगा। तो इसे कॉम सिलेक्ट करो और अपलोड कर दो प्रोग्राम को इसका, सॉरी ये देखो ये चेंज कर लेना है, ये पिन जो भी आप डिसाइड कर रहे हो ना, ये पिन चेंज करना है। तो यहाँ मेरा कितना है, 11 और 12, नहीं सॉरी यहाँ पे आपको देना है 12 और ये 11। जो भी आप देख लेना कि TX RX से कनेक्टेड हो और RX TX से कनेक्टेड हो, ये इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये होना ही चाहिए। जैसे मैं अपलोड किया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ देखने के लिए, चेक करने के लिए। फाइन, अभी देखो ये अपलोड हो गया है, ये हो गया है। थोड़ा सा बेसिक समझ लो, ये आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल हो गया, ये अर्डिनो उनो है, यहाँ पे एक मोटर शील्ड लगा है जो क्या करता है ना, मोटर को कंट्रोल करता है, इसको मोटर ड्राइवर बोलते हैं। ये सारा मैंने इनपुट सेक्शन में, उसके बाद किस तरह से मोटर कंट्रोलिंग होता है उसके उस सेक्शन में मैंने डिस्क्राइब किया है। मैं सारा वन आफ्टर अनदर इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर से चेक करना कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। फाइन, अभी ये हो गया। अभी देखो हम लोग यहाँ ट्रिगर, इसको ये चेंज करते हैं, ये फॉरवर्ड घुमाता हूँ मैं, देखो ये फॉरवर्ड आ रहा है बट ये मूव नहीं कर रहा है, ये मैं बैकवर्ड कर रहा हूँ, ये बैकवर्ड नहीं जा रहा है, ठीक है ना। लेफ्ट कर रहा, सॉरी लेफ्ट करता हूँ मैं, लेफ्ट नहीं जा रहा है, राइट करता हूँ, राइट नहीं जा रहा है, राइट ना। अब देखो हो क्या रहा है, इसको एक एक्सटर्नल पावर चाहिए, क्योंकि ये देखो USB 5 वोल्ट से इसे नहीं होने वाला, ये दो मोटर को वो हैंडल नहीं कर सकता। ऊपर से ये एक ब्लूटूथ है, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो इसमें चार्जेस या पावर इसको ज़्यादा चाहिए होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सटर्नल वाला जो सप्लाई है मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको USB को निकाल दोगे तब भी चलेगा, कंफर्म कर लेना कि ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है ना, ये LED का जो देख के। अभी देखो मैं रन कर रहा हूँ फॉरवर्ड, अब ये बैकवर्ड, ये राइट, ये लेफ्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाइट दे देते हैं। यहाँ मैं जैसे ही बटन प्रेस करता हूँ, देखो 13 नंबर का जो LED है किस तरह से ग्लो कर रहा है, ठीक है। कुछ भी आप इसे करा सकते हो, अब
वो तो एक एक सेकंड का डिले है, वो वेट कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद आप फॉरवर्ड कर। अभी हम लोग देखेंगे, मैं इसका एक छोटा सा जो ट्यूटोरियल मतलब इसका जो छोटा सा वर्किंग वीडियो है ना, मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, आप देखो ये किस तरह से काम करता है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा ये वाला, ठीक है। हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा किस तरह से आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करोगे और उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन से किस तरह से इस रोबोट को कंट्रोल करोगे वाया ब्लूटूथ। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।